आज हम मचाने वाले हैं धमाल। तो वेलकम बैक हुए आप सभी का एक ब्रांड न्यू गेम प्ले के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ चुकी है भाई साहब वर्ल्ड की सबसे ऑफ रोडिंग कार। भाई साहब काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग कार है। तो चलिए अपना रेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो चुका है जो कि ये पार्कोर रेस्ट होने वाले। तो यार सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दो। और आप देख सकते हैं कि यार फिलहाल तो हम आ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा समंदर को क्रॉस करके। भाई साहब वो जो जमता ना वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जमता है। लेकिन 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 आपका भाई बेटा तो इसको क्रॉस कर लेता है। बाकी आपका भाई तो प्रो प्लेयर आप लोग तो जानते हो। लेकिन यहाँ पर कट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आपके बने कट कर दिया। अरे भाई साहब ये कूड़ा कहाँ यहाँ पर इन लोगों ने रख दिया। लेकिन यहाँ पर तो ब्लास्ट हो गए यार। लेकिन हमें अपने ब्लास्ट से कोई मतलब नहीं है। ब्लास्ट शॉट्स तो होते रहते हैं। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कटिंग आपका भाई यहाँ पर दिखा रहा है। अरे भाई साहब गाड़ी यहाँ पर टोकनी नहीं थी। लेकिन कोई बात नहीं। अरे ये चिप्स वाली गाड़ी हटाओ यहाँ से क्योंकि आ चुका है यहाँ पर प्रो प्लेयर। तो भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जंप करना होगा। तो यार यहाँ पर जंप करेंगे तो फिलहाल यहाँ पर हमारी गाड़ी उल्टी हो चुकी है। लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर हम आएंगे पीछे गए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर हमें जंप लगा लेते तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अपने गेम पर फोकस करते हैं। अरे भाई साहब यहाँ पर गाड़ी क्यों नीचे चली गई यार। गाड़ी यहाँ पर सीधा जंप करके नीचे चली गई। मुझे लगा था यार यहाँ पर सारा टूटने वाला है लेकिन यहाँ पर ये नहीं टूटा। बाकी यार जो जो अभी तक चैनल पे नहीं उसने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब का बटन टोक दो क्योंकि आपका अभी इस तरह के गेम प्लेस अपलोड करता रहता है। बाकी यार हमने एंटर नहीं किया तो वेलकम हो गया भाई लोग आप सभी का एक ब्रांड न्यू गेम प्ले के अंदर। तो फिलहाल तो यार सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो ये मेरा पहला इंट्रो था। आज आपका भाई थोड़ा सा चेंज कर चुका है। तो फिलहाल यार थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहेंगे। लेकिन यार यहाँ पर हमें रिवर्स जाना होगा क्योंकि यार आपको लोगों को तो पता है कि आपके भाई की रिवर्स ड्राइविंग कितनी ख़राब है। लेकिन कोई बात नहीं हम फिर भी ट्राई करेंगे कि अच्छी खासी यहाँ पर ड्राइविंग हो पाए। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यार ड्राइविंग तो हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है। लेकिन यार यहाँ पर मुझसे गाड़ी थोड़ी सी अनकंट्रोल भी हो चुकी है। तो यहाँ पर हम गाड़ी को कंट्रोल में लेते हैं। गाइस यहाँ पर फाइनली हमने गाड़ी को कंट्रोल में ला चुके हैं। और भाई साहब यार यहाँ पर अगर मैं सीधा जाऊँगा ना गाइस तो सीधा नीचे पानी में जाऊँगा और यहाँ पर मैं पानी में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। बाकी और काफ़ी ज़रा बड़ी लहर आ चुकी है यहाँ पर समंदर की। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं कि यार हमें चेक पॉइंट यहाँ पर नज़र आ रहा है तो यहाँ पर हम चेक पॉइंट उठाएंगे। लेकिन यहाँ से मैं गाड़ी को सीधा करूँगा क्योंकि यार रिवर्स चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बाकी और यहाँ पर समंदर की लहर है देखो आप लोग यार काफ़ी ज़्यादा लहर है यहाँ पर समंदर की आ रही है। लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। हमारे पास भी वर्ल्ड ऑफ रोड किंग है भाई साहब। मेरे पास भी 4x4 कार है तो इसलिए मैं टेंशन नहीं लूँगा। बाकी आप देख सकते हैं यार काफ़ी ज़्यादा जालियों पे यहाँ पर चलना है। लेकिन यार हमारे पास भी यार यहाँ पर मुझे स्लो कर दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं यहाँ पर भी यार इसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें इसको स्टेबल रखना होगा तभी हम जा पाएंगे। ओ भाई साहब यहाँ पर हम तो चेक पॉइंट पर पहुँच चुके हैं गाइस। लेकिन यार यहाँ पर एक बार ये रास्ता देखो गाइस मैं अगर आपको बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रास्ता यहाँ पर आ चुका है गाइस। यहाँ पर जंप करना होगा तो यार यहाँ पर थोड़ा सा पीछे आएंगे फिर से जंप करेंगे क्योंकि यार यहाँ पर अगर स्लिप होती है गाड़ी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और भाई साहब यहाँ पर फाइनली अच्छा खासा जंप हो चुका है। लेकिन यार मैं इस गाड़ी को पानी में नहीं ले जाना चाहता। फिर भी एक टायर इसका पानी में गया। लेकिन फाइनली ये गाड़ी यहाँ पर निकल चुकी है। लेकिन यार इस गाड़ी को यहाँ पर तकलीफ हो रही है। काफ़ी ज़्यादा पावर लग रही है इस 4x4 गाड़ी की। और भाई साहब इसका सामने वाला टायर तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। लेकिन फाइनली जैसे तैसे करके हम अपने चेक पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। और भाई साहब मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा पसीना निकल चुका है। लेकिन कोई बात नहीं पसीनों को मारो गोली और अपने पार्कोर पर अब फिलहाल फोकस करते हैं। बाकी यार यहाँ पर आप देख सकते हैं यार कि यहाँ पर भी जंप करना होगा। लेकिन यार यहाँ पर इस गाड़ी को स्टेबल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यार स्टेबल तो अच्छा हो चुका है। मुझे लगा था ये गाड़ी सीधा नीचे जाएगी लेकिन फाइनली यहाँ पर ग्रिप हो गई। और ग्रिप हो गई तो ये हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो चुकी है। और गाइस यहाँ पर हम फाइनली चेक पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। लेकिन यार इस पाइप को पहले हटाओ भाई साहब। इस पाइप को तो मैंने दूर कर दिया लेकिन यार मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर यह गाड़ी कैसे जा पाएगी। बाकी यार इसकी पावर की अगर बात की जाए तो गाड़ी यहाँ पर अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रही है। और भाई साहब वेट यहाँ पर भाई साहब ये पाइप मेरे काम खराब करेंगे। मुझे पता था यार इस पाइप पर गाड़ी जाएगी और ये स्लिप होके नीचे चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी सी मतलब अकल से काम लेना होगा क्योंकि यार आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कट है। बस यहाँ पर हमारे 4x4 गाड़ी कट हो जाए। ओके गाइस यहाँ पर फाइनली कट तो हमने मार दिया है। और यहाँ पर भाई साहब फिर से यार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रास्ता आ चुका है। लेकिन हमने टेंशन नहीं लेनी। टेंशन तो ले लिया है ना भाई साहब क्योंकि समंदर में जा चुके हैं। लेकिन इस बार भाई साहब इसको थोड़ा सा बूस्ट मिला। बस इस बार नहीं समंदर में भाई साहब इतनी सी बची है गाड़ी। मुझे लगा था फिर से समंदर में जाएगी लेकिन फाइनली जैसे तैसे करके आपके बने इस गाड़ी को भी बचा लिया और यहाँ पर हम समंदर से बच गए। बाकी आप देख सकते हैं यार इस बार तो मैं समंदर में कूद गया लेकिन यार यहाँ पर आपकी बाइक की गाड़ी बन पड़ चुकी है। लेकिन फाइनली जैसे जैसे करके उस समंदर को पार करके हम आ चुके हैं यहाँ पर फाइनली अपने चेक पॉइंट की तरफ। और यहाँ पर स्लो हो जा भाई साहब स्लो हो गई। मुझे लगा था स्लो नहीं हो पाएगी लेकिन फाइनली स्लो हो गई है। यहाँ पर मैं गिर गया था लेकिन यार फिर से रिस्पॉन्ड कर लिया। मुझे लगा था यहाँ पर सीधा जाना होगा
लेकिन यार यहाँ पर इस रास्ते पे गाड़ी को लेके आना था और तभी हम अपने चेक पॉइंट पर पहुँच जाते। भाई साहब बीच समंदर में लोगों ने ये रास्ता बना दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रास्ता है। तो भाई साहब इस पाइप से मुझे नहीं बैठना, क्योंकि यार अगर इस पाइप से हम बैठेंगे तो ये पाइप सारे इस रास्ते पर मतलब हो जाएंगे, खुले हो जाएंगे, पर मज़ा नहीं आएगा। क्या ड्रिफ्ट लग गई आपके बने यार। और अभी तक अगर आप लोग वीडियो इन्जॉय करो तो जल्दी सब्सक्राइब का बटन ठोक दो, क्योंकि आपका भाई इस तरह के डेली गेम प्लेस अपलोड करता रहता है। तो भाई साहब सब्सक्राइब तो बनता है और भाई साहब लाइक भी कर देना वीडियो को। बाकी यार इधर कितने चेक पॉइंट लेने मुझे खुद समझ नहीं रहा, क्योंकि यार काफ़ी ज़रा समंदर की लहरें भी यहाँ पर आ रही है। लेकिन हमें अपने मतलब पार्कोर से मतलब है, लहरों से मतलब नहीं है। बाकी यार यहाँ पर आई थिंक सो ये लास्ट चेक पॉइंट था। तो यहाँ पर पाइप खुल चुके हैं और फाइनली हम आगे भी जा रहे हैं, तो ये हमारी काफ़ी ज़रा अच्छी बात हो चुकी है। गाइस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यार ये हमारा येलो वाला ट्रक जो है ना काफ़ी ज़रा अच्छी तरीके से यहाँ पर यह परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मैं अगर आपको बताऊँ ना गाइस तो काफ़ी ज़रा अच्छा ट्रक है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो GTA 5 में। बाकी यार अगर आप लोग को मेरे साथ प्ले करना है तो भाई साहब अपनी GTA 5 की आईडी कमेंट में डाल दो, आपका भी आप लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करके आप लोग मेरे साथ प्ले कर सकते हो। और या तो मैं क्रू बना लेता हूँ इंशाल्लाह, क्रू बना के फिर आप लोग मेरा क्रू ज्वाइन करके मेरे साथ प्ले कर सकते हो। लेकिन यार बातों बातों में आपका भाई नीचे गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं। इस बार देखते हैं यार यहाँ पर चेक पॉइंट मिले, फाइनली चेक पॉइंट तो मिल चुके गए, लेकिन गाड़ी चढ़ जाए। ओके फाइनली हमारी गाड़ी भी यहाँ पर काफ़ी ज़रा देर के बाद चढ़ चुकी है। भाई साहब एक तो मक्की तंग कर रही है, एक तो गर्मी है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो बनाने भी ज़रूरी है। किधर जाना है भाई साहब? मैं तो भाई साहब बातों बातों में आगे निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर से आएंगे। यार मैं तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका हूँ, आई थिंक सो इस तरफ जाना है। पहले मैं उस तरफ चला गया था तो यहाँ पर उस तरफ नहीं जाना था, तो इस तरफ मतलब इस बार तो इस तरफ आएंगे। गैस यहाँ पर फाइनली अच्छा खासा जंप आपके भाई ने लगा लिया और इस तरफ ही आना था गैस, लेकिन यार इस बार मेरा जंप अच्छा नहीं लगा। लेकिन फाइनली जैसे तैसे करके आपके भाई ने अच्छा खासा जंप कर लिया और फाइनली यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट दिख रही है गैस। तो यहाँ पर यार अपनी गाड़ी को चढ़ाएंगे। बाकी यार ये बूस्ट इतनी स्लो क्यों है मुझे खुद समझ नहीं है। बाकी यार इस गाड़ी में तो पावर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यार ये इतना सा रास्ता मतलब नहीं चढ़ पा रही है और इसका इंजन यहाँ पर फेल होता हुआ मुझे दिख रहा है। मैं अगर आपको बताना गैस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर फेल हो चुकी है और ये आगे नहीं बढ़ पा रही। तो इसके साथ मुझे क्या करना होगा मुझे आप लोग कमेंट में बता सकते हो, लेकिन खैर जब तक आप लोग कमेंट करोगे तब तक तो मैं रेस जीत जाऊँगा। बाकी और जैसे जैसे करके आपका भाई आ चुका है, लेकिन यार फिर से मैं जा चुका हूँ। इस बार इस तरफ से चलते हैं, अगर इस तरफ से भी ये बूस्ट सही नहीं हुई तो भाई साहब इस तरफ से थे सही है। मुझे मतलब उस तरफ से नहीं आना चाहिए थे, पहले तो मैं उस तरफ से आ गया था, लेकिन यार इस बार आपका भाई इस तरफ से आ रहा है, क्योंकि यार पहली दफ़ा मतलब वो बूस्ट सही नहीं था और इस बार ये बूस्ट सही है। लेकिन इधर भी इसका इंजन की पावर थोड़ी सी लग रही है, अगर इस तरह चलाएंगे तो फिर इंशाल्लाह चढ़ जाएगी। और हम काफ़ी ज़रा क्लोज आ चुके हैं अपने बूस्ट के, तो यहाँ पर हम अपना बूस्ट लेंगे। और भाई साहब क्या बूस्ट लिया आपके बने, लेकिन यार बूस्ट मिला लेकिन इतना कोई खास बूस्ट नहीं मिला। लेकिन भाई साहब हम चढ़ने वाले हैं और फाइनली जैसे तैसे करके हमारी 4x4 वर्ल्ड क्लास गाड़ी यहाँ पर चढ़ चुकी है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम फिनिश लाइन के काफ़ी ज़रा क्लोज आ चुके हैं। वो बाकी यार यहाँ पर तो मैंने जंप कर लिया फिनिश लाइन के लिए, लेकिन यार मैं काफ़ी ज़रा मतलब आगे जंप कर चुका हूँ जो कि मुझे फिनिश लाइन मिलने नहीं वाली। तो भाई साहब आपका भाई तो ये रेस विन कुछ कर चुका है, और जिसने इसे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। मैं तो नेक्स्ट सुना, तब तक अल्लाह हाफिज़।